नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। दोस्तों हमने इससे पहले चैप्टर 1 और 2 के वीडियो अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर NCERT क्लास 6 की प्लेलिस्ट हमने सेव की हुई है, दोस्तों आप उसे देख सकते हैं। उससे प्रीवियस पहले की 2 जो वीडियो उसमें अपलोड की जा चुकी हैं दोस्तों। और जो थर्ड चैप्टर है यह है भोजन संग्रह से उत्पादन तक की बात में हम इसमें करते हैं दोस्तों। इसमें क्या नैनो को भोजन, मतलब आज नैनो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल सॉस और कद्दू बीन्स और गोश्त स्क्वाश कद्दू बीन्स। और उसके नानी ने अपने घर पिछवाड़े के छोटे से बगीचे से उगाया था। खाते खाते नैनो ने पिछले दिनों अपना स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, वह क्यों ऐसा क्यों था। दोस्तों विभिन्न प्रकार के भोजन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई हुई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। दोस्तों विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाने के लिए विभिन्न विभिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फल का विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं, मतलब कि विशेष क्षेत्र में विशेष तरह की खेती की जाती है दोस्तों। और मौसम के आधार पर ही भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। यह नहीं कि पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब कि कुछ पशुओं ऐसे होते हैं जो कि अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है। जो वहाँ के रहने वाले पशु है वो अगर हम हरियाणा यूपी या किसी भी और अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर भी मैनेज नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ और बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुष ने ही अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया दोस्तों। इसमें देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही और साथ साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया और खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती थी और बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरती थी और गिरे बीजों का अंकुरण कैसे उनके पौधों से निकलता था और यदि इसी तरह अपने पौधों को देखभाल करना शुरू कर दे होगे तो चिड़िया तथा जानवर से पौधों की सुरक्षा हो सकेगी और ताकि वे ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे दोस्तों। ये पहले की बात की जा रही है, मतलब कि कृषक बन गए होंगे। इस प्रकार की अगर बात की जाए तो अतीत के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। वो अगर इस तरह से लोग अपने घरों के आसपास चार रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बना होगा, मतलब कि अपने घर के बाहर या चार दीवारी के आसपास कहीं चार रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया उनमें कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गायें तथा सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों से के आकर्षण में उनकी सुरक्षा क्या करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे दोस्तों। मतलब कि अतीत के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अगर हम क्या आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर क्यों बनाएगा दोस्तों? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अब अगर हम बात करें तो बसने की प्रक्रिया क्या थी दोस्तों? अगर हम बात करें तो बचने की प्रक्रिया क्या थी? लोगों द्वारा उगाए पौधों और जानवरों को देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते थे। इसकी वजह थी कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे तथा जानवरों का चयन लोग करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते जिनका बीमार होने की संभावना कम हो। यदि नहीं लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बाद दाने तथा
उत्पादकता अनाज पैदा होते थे, साथ ही साथ उनकी मजबूती डांटले अनाज के पके दाने को के बार का बार संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने उगाने के लिए कुछ गुण सुरक्षित रह सकें, और उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि पालतू पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत तथा सींग छोटे होते हैं। और इन दांतों को देखो, इनसे कौन सी जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का, मतलब जो जंगली जानवर होगा उनके दांत बड़े होंगे, जो पालतू के उनके दांत छोटे होंगे। दोस्तों इनसे जाहिर सी बात है क्या अंदाजा लगा सकते हैं, तो जंगली जानवर होंगे वो उनकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा वहाँ, वे अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते रहेंगे। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चलती गई धीरे धीरे, या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में जो हम आज भोजन करते हैं उसे वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे फालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीच जो बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के कुछ वक्त लगेगा इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा इससे तुम इसमें कुछ दिन में महीने या फिर एक साल लग सकता है। इसलिए जब हम पौधे के उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रखना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करके, खरपतवार हटाने और जानवरों के लिए चीड़े तथा उनकी सुरक्षा करने के लिए जैसे बहुत से काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है। दोस्तों अनाज को भोजन के बीज और दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक होता है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती है। बाद से इलाकों में के लोगों में फीड के बड़े बड़े बर्तन होते हैं और बकरियां बोनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा या उन्हें लगता कि शिकार तथा भोजन संग्रह बर्तन बना देता उनका प्रयोग करते होंगे। जवाब का कारण बताओ। दोस्तों अगर हम बात करते हो अनाज के उपयोग की, बीज के रूप में और खाद के रूप में और उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में, ये बीज के चार प्रकार से प्रयोग है जो अनाज के उपयोग है। अब नेक्स्ट बात करते हूँ जानवर चलते फिरते खाद भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनमें उनकी बड़ी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनके दूध भी प्राप्त हो सकते हैं जो भोजन एक अच्छा स्रोत है, या उन जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पालतू पालन के भोजन के लिए भंडारण का एक सही तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों में क्या क्या मिल सकता है, उन जानवरों का उपयोग के लिए किस लिए होता है, आओ आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पर प्रश्न नंबर 14 पर देखो कि तुमने कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातात्विक शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये ऊपरी उपमहाद्वीप में पाए गए और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्ती थी, यह नहीं कि उन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुद ये मिले पौधे और पशुओं के अड्डों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष, और इससे ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। दोस्तों अगर बात करें वैज्ञानिक इन अनाज के दोनों दानों की पहचान कर विभिन्न लोगों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे दिए अंक तालिका में पता या आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों की पालतू जानवर की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। अगर बात करें तो अनाज तथा हड्डियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं गेहूँ जो भेड़ बकरी मवेशी या मेरगढ़ आधुनिक
पाकिस्तान में अब उपस्थित है। चावल जानवरों में हड्डियों के टुकड़े कोलिडवा उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है जो पहले था अब उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात की गई है। दोस्तों गेहूं और दलहन गुफ कराल आधुनिक कश्मीर, गेहूं दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी बुरझम आधुनिक कश्मीर। गेहूं हरे चने जो गेहूं दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी ये बुरझम आधुनिक कश्मीर। गेहूं हरे चने जो जियो भैंस बैल और चिरांद ये आधुनिक बिहार। अब बात करें ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सुअर हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी सुअर भेड़ ये पियामपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिलते हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है, और भी अन्य स्थान हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्थायी जीवन की ओर की बात, स्थायी जीवन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्थायी जीवन की ओर, पुरातात्विक कुछ पुरस्थलों पर झोपड़े तथा घरों के पुरातात्विक दो को कुछ स्थानों पर झोपड़े तथा घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुरझोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास मतलब उसे कहते हैं जो कि ज़मीन के गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते हैं। गर्तवास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोटबुक पर अपनी नोट कर सकते हैं या किसी आपने कॉपी जो भी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की बना रखी हो उसमें आप नोट्स कर सकते हैं। इसमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, और पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तवास का चित्र बना, मतलब गर्तवास ऐसा होता है कि एक गुफा, जिस गुफा प्रकार के गर्तवास उसे कहते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे घर बनाते हैं या बेसमेंट कह सकते हैं आप। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को बीजने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली तथा मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें आज भी ओखली तथा मूसल का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार जो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरस्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किए जाते थे और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग करना बनाने के लिए करने लगे खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके बाद कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसा ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार भोजन संग्रह करने काम कर रहे थे और वे अन्य लोगों से हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है इनमें प्राय कृषक तथा पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि इन लोगों में कुछ
ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। बात करें अगर हम जनजाति किसे कहते हैं, प्राय जनजाति छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज़्यादातर परिवार एक एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों को समूह मिलाकर ही जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति का सदस्य शिकार, भोजन, संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली जैसे पेशे अपनाते हैं। अगर हम बात करें तो जनजाति के सदस्य शिकार और भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। अक्सर महिलाएं खेती और सारे काम करती थी और इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने और पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल था। बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और चिड़ियाओं और जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे पौधों और फसलों का नुकसान न पहुँचाएँ। महिलाएं फसल दाव दाव कर अनाज कूटती बीजती है और पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते, और जबकि छोटे छोटे बच्चे छोटे झुंडों को यही जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन, टोकरियाँ, औजार, झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ क्या करते थे, और नाच गाना और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। बात करें हम कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया गया और ये अनुभवी वृद्ध व्यक्ति नौजवान युद्ध पर भी फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता था। जनजाति की संस्कृति परंपरा बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है और इनकी भाषाएं तथा संगीत, कहानी तथा चित्रकारी भी शामिल है। इनके दावे अपने देवी देवता होते हैं उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पूरे कुनबे के संपत्ति माना जाता है जिसका उपयोग भी सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब तथा अमीर भी कोई भी खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होता है। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब कि डीपली जो एक निरीक्षण किया गया, गहन अध्ययन जिसे कहते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 14 मानचित्र नंबर 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। दोस्तों यह आपको अपने मैप में खुद ढूंढना है। यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलेन दर्रा। दोस्तों तमाम दर्रा आपको देखने हैं, जितने भी भारत में दर्राएँ हैं आपको वे सब दर्राएँ कंप्लीट आपको याद कर लेने हैं। मतलब कि जो बैकग्राउंड से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप जरूर क्लियर कर ले, उससे आगे का भी और पीछे का भी। दोस्तों मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों के पुरातत्वविदों के विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा हड्डियाँ भी शामिल है। उनके बाद स्तरों से भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ ज़्यादा मिलती हैं और उसके ऊपर जल्द जल्द मवेशियों को ही हड्डियाँ मिलती हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगते हैं। अब बात करें हम गांव गांव क्या था। गांव की यह एक विशेषता है कि वह वहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों को भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। मेरगढ़ के अलावा उसका चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे जिनमें संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, मतलब कि इतने बड़े थे कि वे गोदाम बनने के लायक थे। बात करें हम पहले और बाद के स्तर की पहले और बाद के स्तर की जब प्रतात्विक किसी जगह की खुदाई करते हैं और वे कैसे समझ जाते हैं कि ये कौन से स्तर पहले के है और कौन से बाद के, मतलब चित्र दो को देख सकते हैं आप। मान लो सबसे पहले समतल भूमि 4 स्तर पर रहना शुरू किया।
आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं पर ढूंढने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं, टूटने पर वहीं दोबारा घर भी बना लेते हैं। मतलब टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे आधी होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उससे सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और इसके बाद के युगों को होते हैं, और ऊपरी तथा निचली सतह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। बात करें हम इससे नेक्स्ट, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक ने सगे संबंधी तथा उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था तथा मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के सब कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेरेगढ़ में ऐसा कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, जब संभवतः इसी परलोक में मृतक के खाने खाने के लिए रखा गया होगा। मेरगढ़ के कब्र का एक चित्र जहाँ एक बकरी के कंकाल की पहचान कर सकते हैं। अब बात करें हम मेरगढ़ का चित्र, मेरगढ़ को में शायद ऐसे दिखते हैं जो तुम घर में रहते हो उनके साथ इस घर में क्या समानता है। नेक्स्ट बात करें दोआजली दा ओजली हाडी हेडिंग द ओजली हेडिंग मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 14 पर ढूंढो यह पुरातत्व चीन और म्यांमार के बीच जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी पर एक पहाड़ी पर है। वहाँ खरल मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज जो खाते थे, संभवतः ये पत्थर चीन से लाया गया होगा और इसके अतिरिक्त पुरास्थल से कस्टम उसके अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिलते हैं। बात करें अग्नेत्र की एटलस में ढूंढो नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालु क्यू तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों में से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया में लाया गया चमक पत्थर और लाल सागर की कोड़ी तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। और ध्यान रखें कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, उपयोगी शब्द कृषक का आपका देखना है, कृषक क्या है, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव से और कब्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आपको देखना है अपनी टेक्स्ट बुक में। अब दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? 2000 साल पहले। मेरगढ़ की बस्ती आरंभ हुई 8000 साल पहले। दोस्तों ये था हमारा थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने आज थर्ड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर की डिस्कशन जारी रखेंगे। दोस्तों जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, कृपया उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।